जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह आज मुरादाबाद में आए। वो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों का भ्रम दूर करने आए थे। इस दौरान उन्होंने शहर के कई इलाकों में पदयात्रा निकालकर लोगों से इस बिल को लेकर बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह कानून नागरिकता देने या लेने का नहीं। इस कानून का उन्होंने कहा कि विदेशी लोग और पाकिस्तान तो इस कानून का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस देश के लोग इस कानून का विरोध करते हैं तो वो देश के लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के गांधी परिवार पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि असली गांधी को मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन नकली गांधी गांधी जी के सपनों को कलंकित कर रहे हैं। मुंबई से यशवंत सिन्हा की रैली को लेकर उन्होंने कहा कि वो अब पार्टी में नहीं है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान से प्रेरित हैं। सपा बसपा और कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। JNU मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच कर रही है। JNU असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। देखिए, मुरादाबाद की सड़कों पर आज लोगों ने उतर करके जनजागरण का अभियान लिया है और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं, उनकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिल करके इस पदयात्रा में भागीदार हो रहे हैं। हजारों हजार की संख्या आज मुरादाबाद की सड़कों पर है। अमित भाई शाह का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि जो बरसों से पीड़ित थे, उत्पीड़ित थे, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा, भारत की नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, उनको भारत की जो नागरिकता दी गई है, उनके जीवन में जो खुशहाली आने के आसार नजर आए हैं, उसके लिए आज सभी लोग उतर करके उनको धन्यवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई कह रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इसीलिए हम सब लोग सड़कों पर चल रहे हैं। मुझको लगता है आज़ाद भारत का सबसे ऐतिहासिक निर्णय है। उस निर्णय का भारत की प्रत्येक जनता स्वागत कर रही, अभिनंदन कर रही, और हम सब लोग मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज की तारीख में पूरा भारत CA के साथ है, पूरे भारत के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारा कोई भी समाज हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब लोग CA का समर्थन कर रहे हैं और उसका अद्भुत दृश्य आप मुरादाबाद की सड़कों पर देख सकते हैं।